खबर छिंदवाड़ा से ले रहे हैं, जहां बायलट फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है संत आसाराम गुरुकुल के किचन में बायलट फटा है, पुलिस मौके पर है। घटना में 4 अन्य लोग गंभीर घायल हुए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, कैसे हुआ ये हादसा? जी, बताना चाहूँगा, संत गुरुकुल आसाराम आश्रम रसोई घर में खाना बन रहा था और पूर्व में गैस सिलेंडर से और चूल्हे से खाना बनता था। अभी 2 दिन पूर्व ही बॉयलर से खाना बनाने की शुरुआत की गई थी। आज सुबह 8:30 बजे एकदम से अचानक बॉयलर फट गया, जिसमें 4 महिलाएं घायल हुई है और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, कैसे हुई घटना, आखिर क्या चूक हुई है और पुलिस वहां मौके पर है, किस तरह की जांच की जा रही है? और गुरुकुल है तो निश्चित तौर पर क्या केवल यहां खाना ही बनता है या बच्चे भी मौजूद रहते हैं? नहीं, यहाँ पे 300 बच्चे पढ़ते हैं इस गुरुकुल आश्रम में, 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं। जैसा अभी CSP मनोज कुशवाहा जी और कोतवाली TI सुमेर सिंह जगेत जी और उनके साथ में पुलिस बल मौजूद है, बारीकी से जांच कर रहे हैं। उन्होंने अभी बताया मतलब कि यहाँ पे जो घटनाएं हुई है इसकी हम बारीकी से जाँच कर रहे हैं और जिस तरीके से जो भी मतलब दुर्घटना में जो भी कारण रहे हो, जाँच करने के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा संचालित होता है ये गुरुकुल? गुरुकुल आसाराम आश्रम है, आसाराम जी का मतलब कहना चाहिए देश में जो बड़े बड़े गुरुकुल आसाराम आश्रम हैं, जो छिंदवाड़ा में भी एक बड़ा आश्रम है। प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी तक? कोई प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है कि ये घटना कैसे हुई, कैसे इतनी बड़ी चूक हुई? क्या आज पहले दिन, जैसा आप बता रहे हैं कि आज पहले दिन बॉयलर का उपयोग हुआ और उसमें ब्लास्ट हो गया, क्या कुछ प्रबंधन का कहना है? गुरुकुल आसाराम आश्रम की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पे बहुत ही लापरवाह और कहना चाहिए संघ की प्रबंधन होता है हर, मतलब कहना चाहिए यहाँ पे ना तो कहना चाहिए किसी को आने जाने की इजाज़त होती है और ना अपनी जानकारी देते हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 महिलाएं भर्ती हैं, जब प्रबंधन से बात की गई थी तो प्रबंधन बोलते हैं कि ये बहुत छोटी सी घटनाएं हैं, खाना बनाते समय ये हो गया, नॉर्मल ये घटनाएं हैं। जब अंदर से जानकारी लगी कि एक व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, जब पुलिस बल और SDM यहाँ पे पहुँचे तब प्रबंधन यहाँ पे है ही नहीं है, वहाँ पे जो मैनेजर है, छोटे जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता है। हालांकि अभी प्रबंधन से कोई निकलकर सामने नहीं आया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो घटना छिंदवाड़ा की है, जहां बॉयलर फटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 महिलाएं भी घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर है, जांच की जा रही है। हालांकि प्रबंधन की तरफ से पूरे विषय में अब तक किसी तरह का पक्ष नहीं रखा गया है।